हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2020 जो प्री का पेपर हुआ था उसमें टाइम स्पीड और डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस कह लो या फिर बोट एंड स्ट्रीम कह लो, बात एक ही है। क्वेश्चन बायलिंगुअल रहेगी वीडियो में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको रिटर्न मिलेगी और एक्सप्लेनेशन आपको वो भी बायलिंगुअल ही समझ के चलो। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी लगभग 22-23 क्वेश्चन है जो सीरियल प्री में पूछे गए थे 2020 में टाइम स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन या फिर बोट एंड स्ट्रीम के, तो सारे क्वेश्चन एक बेहतरीन तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और जो लोग रेगुलर व्यूअर है उनको पता है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बाकी सबसे अलग कुछ बताऊं आपको, जो बड़े क्वेश्चन भी है उनको छोटे तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूं, जिससे कि एग्जाम के दौरान आप एग्जामिनेशन हॉल में समय रहते क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ और दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए टाइम को आप सेव कर पाओ। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना। सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए हैं इस बार सीजीएल प्री में। किसी भी क्वेश्चन को आप ये नहीं कह सकते कि काफी आसान है या फिर काफी टफ है, सारे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि ये आगे मेंस में पूछे जा सकते हैं, सीपीओ के पेपर में पूछे जा सकते हैं और रेलवे जो CBT 2 लेगी एनटीपीसी के लिए उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोगों को जरूर से, अगर आप इन सभी पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरी वीडियो को देखिए और इस तरह से CHSL 2020 का, CHSL 2019 का, CGL प्री 2019 और 2020, मेंस 2018-2020 सबको मैंने चैप्टर वाइज अपने चैनल एनके मैथ्स नंदु कुमार पे करा रखा है सोल्यूशन एक बेहतरीन तरीके से। अगर आप लोग वो सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर से जाइए, सबकी बिल्कुल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैप्टर वाइज, अच्छे से आप जाकर के उनको ढूंढिए और पूरी तरीके से तैयारी कीजिए अच्छे से। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं और चाहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं एटलीस्ट वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और साथ ही साथ अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लीजिए, मैं काफी जल्दी रिप्लाई करता हूं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखें भाई क्या है। क्वेश्चन है, एक्स और वाई किसी नदी पर दो बिंदु हैं, बिंदु पी और क्यू सीधी रेखा एक्स वाई को तीन बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, नदी एक्स वाई के समांतर बहती है और किसी नाव द्वारा एक्स से क्यू तक और क्यू की यात्रा, यहां पर थोड़ा सा एरर है, आप इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश में क्या कह रहा है कि एक्स से क्यू तक और वाई से क्यू तक जाने में जो समय लगता है उसका जो अनुपात है वो 4:5 है। तो हमसे पूछ रहा है कि धारा के दिशा में नाव की चाल, जिसको आप डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, और साथ ही साथ नदी की धारा की चाल, ठीक है, यानी कि करंट की स्पीड जो है उसका अनुपात बताना है कि क्या होगा। अच्छा सवाल है, देखिए आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, एक बात समझना जरा। मैं अगर आपको ये बोलूं दोस्त कि देखो ये वो लाइन है, ठीक है, अच्छा से लाइन नहीं बना लेकिन कोई बात नहीं, मैं अच्छा से बना देता हूं। आप ये कहेंगे कि अगर ये वो लाइन है, जरा बात समझना, अब कौन सी लाइन, एक्स वाई, ठीक है, नदी में ये दो बिंदु है एक्स और वाई, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पी और क्यू दो ऐसी बिंदुएं हैं जो एक्स वाई को तीन बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो मैं इस पर पी और क्यू दो बिंदु बना लेता हूं। लेट से ये पी है अपना और ये जो है ये क्यू है। अब ये जो तीनों डिस्टेंस है वो सेम है, तो ये कह रहा है कि एक्स से लेकर क्यू तक जाने में, एक मिनट कहां गया भाई, एक्स से लेकर के और क्यू तक जाने में जो टाइम लगेगा और वाई से लेकर के वाई से क्यू तक आने में जो टाइम लगेगा, इनका जो अनुपात है वो 4:5 है। ठीक है, अब एक बात समझना जरा कि वाई से क्यू तक आना ये छोटी दूरी है और एक्स से क्यू तक जाना ये बड़ी दूरी है, तो एक्स से क्यू तक जाने में टाइम लग रहा है 4 इकाई जबकि वाई से क्यू तक आने में 5 इकाई लग रहा है, यानी कि वाई की तरफ से आने में तो कम ही दूरी तय करना पड़ा लेकिन टाइम ज्यादा लग गया, 4 के बदले 5 लग गया। इसका मतलब है कि वाई की तरफ से आने का मतलब है अपस्ट्रीम, ठीक है, यानी कि नाव के, सॉरी, धारा के विपरीत दिशा में चलना, और अगर एक्स की तरफ से आप जा रहे हैं तो वो हुआ धारा की दिशा में चलना। तो देखो एक्स से क्यू तक, अच्छा ये तीन बराबर दूरी है तो हम कोई भी तीन से कटने वाला एक डिस्टेंस मान लेते हैं, तो मैं मान लेता हूं दोस्त, ध्यान देना, मैं ये मान के चलता हूं कि चलो यहां से यहां तक जो दूरी होगी, ये पूरी दूरी यहां से यहां तक, इसको मैं मान लेता हूं कि ये दूरी होगी अपना 60, ठीक है, तीन से कटने वाला मैंने मान लिया। अगर ये 60 है तो आप बोलेंगे कि भाई ये 20 है और ये दूरी जो यहां से यहां तक की है ये कितनी है, 40 है,
अब बताओ ये 40 दूरी चलने में इसको समय लगता है अगर 4, तो ये दूरी चलने में इसको समय कितना लगता है? 5। ठीक है, अब देखो यहां से मैं लिखता हूं कि हमें अगर एक बात बताओ, अच्छा कि x से q तक अगर जाने में इसको 4 इकाई का समय लगता है, तो अगर x से p तक ही मैं जाने के लिए बोलूं तो इसको टाइम 2 इकाई लगेगा। ये बात समझ रहे हो, क्योंकि x से q तक जो है उसका आधा x से p तक 20 है, तो अगर 40 चलने में इसको 4 इकाई का टाइम लगता है तो 20 चलने में उसका आधा लगेगा, 2 इकाई का टाइम। अब देखो मैंने यहां पर xp का ही क्यों निकाला, मैं यहां से निकाल रहा हूं कि x से p तक और q से y तक, क्योंकि ये दोनों ही दूरी बराबर है, ये 20 इकाई का है, ये भी 20 इकाई का हो जाएगा, क्योंकि x से q तक 40 है तो x से p तक 20 ही होगा। अब दूरी मैं सेम कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, दूरी सेम होगा, तो चाल का अनुपात जो होता है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है। सीधी सी बात है, अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा होगा या मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो इतना सा ज्ञान होगा आपके पास। तो आप ये बोलेंगे कि अगर डिस्टेंस सेम हो गया, x से p और q से y तक की मैं बात करूं तो डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस सेम होने के केस में दोनों बार डिस्टेंस कितना हो गया 20, तो डिस्टेंस सेम होने के केस में आप बोलेंगे कि जो टाइम का रेशियो होता है, टाइम का रेशियो कितना है, देखो x से q तक जाने में जो टाइम लगा है वो 2 यूनिट का लगा है, और y से q तक आने में जो टाइम लगा है वो 5 यूनिट का लगा है। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस का रेशियो है तो आप बताओ, सॉरी टाइम का रेशियो है तो आप बताओ स्पीड का रेशियो कितना होगा, उल्टा 5 यहां आ जाएगा और 2 यहां आ जाएगा, और ये बात चल रही है डाउन स्ट्रीम की और ये बात चल रही है अप स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम यानी कि विपरीत दिशा में और डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में, डी से धारा आप समझ लो धारा की दिशा में और यू का मतलब उल्टा समझ लो। ठीक है, तो अब बताओ हमें किसका अनुपात बताना था, तो आप बोलेंगे कि हमें बताना था धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम यहां पे स्पीड देख रहे हैं कितना है 5, तो हमें इस 5 का रेशियो बताना है किससे, आप बोलेंगे कि करंट के स्पीड से, तो करंट जो वाटर होता है ये क्या होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम का आधा होता है, तो ये 5 में से 2 घटा दो 3 का आधा होगा ये, तो यहां पर 3/2 ले लो आप, तो ये रेशियो कितना बन जाएगा 5:10:3। देखो दोस्त इससे बेहतर तरीका इस सवाल के लिए मुझे नहीं लगता है कि कहीं मिलने वाला है, फिर भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तरीका अपने आप में काफी जबरदस्त है। मैंने क्या किया मैं आपको वापिस एक बार समझाता हूं, देखो मैंने सीधी भाषा में ये बोला कि x से लेकर के और q तक जाने में अगर टाइम 4 लगता है तो केवल x से लेकर p तक जाने में, ध्यान देना जरा, केवल x से लेकर और p तक जाने में, ये q तक चला गया, x से लेकर p तक जाने में जो टाइम लगेगा वो 4 का आधा लगेगा 2, और q से लेकर y तक ये भी डिस्टेंस 20 था और ये भी डिस्टेंस 20 हो गया, अगर डिस्टेंस सेम हो गया तो जो समय का अनुपात होता है वो चाल के अनुपात का उल्टा होता है, तो समय आपको पता है कि x से p तक जाने में 2 इकाई लग रहा है और उधर 5 लग रहा था, अगर ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 5/2, और ये डाउन स्ट्रीम का है तो हमें डाउन स्ट्रीम बताना था और साथ में बताना था वाटर की स्पीड, करंट की स्पीड, तो मैंने डाउन स्ट्रीम के लिए तो 5 ही ले लिया। आप ये भी कह सकते थे कि पहला वाला जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, तो ऐसे भी आप सी लगा सकते थे, और ये हमारा 3/2 आ गया, तो यहां से हमारा कितना आ गया 10:33, ये सही उत्तर है। वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर से वीडियो को हमें कमेंट करके बताना मुझे, और लाइक जरूर करना दोस्त, शेयर तो आप करते नहीं हो, आपकी मर्जी। अगला सवाल देखिए दोस्त, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में यानी कि अपनी ही दिशा में 6 की स्पीड से चलने वाले एक आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाती है, और यही रेलगाड़ी अगर 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करे तो कितना टाइम लगेगा? आप बताओ ये 240 है, ठीक है, यहां टाइम कितना लगता है इसको? 9 सेकंड का लगता है, तो हम अगर यहां पर स्पीड निकालें कि भाई स्पीड कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है आपको पता है कि जब आदमी को या खंबे को ट्रेन पार करती है तो दूरी उसकी लंबाई के बराबर ले लेते हैं, तो उसकी लंबाई कितनी है 240, इसको डिवाइड कर ले 9 से तो ये कितना आ जाएगा, आप डिवाइड कर लो, मुझे लगता है कि ये पॉइंट में आने वाला है, ठीक है, तो आप चाहो तो यहीं पर पॉइंट में ला दो या लास्ट में हम पॉइंट में ला देंगे इसको। देखो ये 3 से कट जाएगा, 80 3 और ये 3 3, 80/3 आ गया स्पीड किसका, ये आ गया दोनों को जो दोनों का माइनस है, ये अंतर है ना, क्योंकि ये एक ही दिशा में चल रहे हैं तो ये अंतर है। अच्छा बताना जरा, ये 80/3 है तो आदमी की स्पीड क्या थी? आप बोले हैं कि जो आदमी की स्पीड थी, मैं लिख देता हूं, इसका स्पीड था 6 का, लेकिन 5/18 से अगर गुना करें तो ये 5/3 आ जाएगा, यानी कि 5/3 मीटर प्रति सेकंड था, ये आदमी की स्पीड थी और ये स्पीड थी ओवरऑल ट्रेन और माइनस आदमी की। देखो जब ट्रेन अपनी ही दिशा में चल रहा है, आदमी को पार करेगी, तो ये जो स्पीड आया है ये इनका अंतर होगा, ये आप भी समझ रहे हैं कि ये जो स्पीड है ये ट्रेन और आदमी का अंतर है। तो अगर मैं केवल ट्रेन की स्पीड की बात करूं तो हम 80/3 में से इस 5/3 को माइनस कर सकते हैं, तो ये 75/3 आ जाएगा, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है किसकी, ट्रेन की, बात आप भी समझ रहे हैं। और अब हमें बताना है कि अब टाइम कितना लगेगा यदि वो 372 मीटर लंबे सुरंग को पार करे।
आप बताओ सुरंग को पार करेगी जो तो दूरी होगा वो होगा 240 और प्लस 372, दोनों को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? देखो पहले 300 और 200 500 हो जाएगा, 500 और 30 जोड़ लो तो 612 हो जाएगा मुझे लगता है, ठीक है, 30 ही जोड़ा था ना, तो 10 और तो ये 612 आ गया। तो आप बोले कि अब 612 की दूरी चलानी है किससे भाई? ट्रेन से, तो ट्रेन की स्पीड 25 की थी, इसको डिवाइड कर लो तो ये आएगा 25 × 50 और फिर 25 × 50 हो गया तो कितना बच गया हमारे पास बताओ? 11 और 2। ये कैसे गलत कट गया भाई, इसको तो सही करना था, कुछ गलत कर लिया क्या हमने? स्पीड तो 25 ही आने वाला था ना। ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रहा है भाई यहाँ पर, ये कटेगा क्या किस चीज से? एक मिनट रुक जाओ। अच्छा देखो गलती पकड़ में आ गई, गलती कहाँ पर थी? गलती यहाँ पर थी, हमें ये जोड़ना था ना, जोड़ना क्या था, क्यों था बताओ आप? कि हमने ये जो 80 निकाला है ये क्या है? ट्रेन की दिशा में ही व्यक्ति जा रहा है तो ये ट्रेन और माइनस का मैन है, और हमें जब केवल ट्रेन निकालना होगा तो इसमें मैन वाली गति को जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये 80/3 है, इसमें मैन का जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा हमारा? 85/3। तो यहां पर एक्चुअली में अब हमें 85/3 रखना पड़ेगा। दिस वन इज रॉन्ग, ये भी मैं मिटा के लिख देता हूँ। क्लियर क्लियर, देखो क्या लिखना था हमें, ये लिखना था हमें 85/3। तो यहां पर अब हम ले लें 85/3, तो नीचे 85 आ जाएगा आपको पता है, और 3 ऊपर चला जाएगा। ऊपर 3 जाने का मतलब कि आंसर 3 से कटेगा और पॉइंट में भी आना है क्योंकि ऊपर 5 नहीं है, बात समझ रहे हैं? लेकिन ऐसे दो दो ऑप्शन है हमारे पास मौजूद, ये भी है और ये भी है, तो इसको कटाना पड़ेगा मुझे लगता है। ये 17 से कटता नजर आ रहा है, 5 से 17 बार में कट जाएगा और ये 36 से 17 बार में कट जाएगा। 36 × 108, तो 108 का डबल कर लो आप, 21.6 ये उत्तर आएगा क्योंकि नीचे 5 है ना, तो डबल करके हम पॉइंट लगाएंगे बस। अगला सवाल देख लें दोस्त, ये कह रहा है कि एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, वो 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ खराबी के कारण अपनी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम से चलने लगी, यानी कि 5 अपनी स्पीड को कम कर ली, तो ऐसे में उसे 36 मिनट का लेट हो गया। तो ये कह रहा है कि रेलगाड़ी अगर सामान्य स्पीड से ही चले, सामान्य स्पीड कितनी थी यही बतानी है, कोई बात नहीं, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि बड़ा होगा ये। इसमें ऑप्शन ट्राई कर लें क्या? देखो हमें कह रहा है कि 370 किलोमीटर की दूरी चलनी थी, बहुत ध्यान से आर्गुमेंट समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। 370 चलनी थी, ये सही बात है, 370 में से 100 तो उसने पहले ही चल दिया, तो इस 100 को तो हटा लो, अब कितना चलना रह गया? तो आप बोलेंगे अब 270 किलोमीटर की दूरी चलनी रह गई। अब इसमें ये कह रहा है कि यदि वो अपने स्पीड को 5 बढ़ा लेता है तो उसे 5 कम कर लेता है तो 36 मिनट का लेट होगा, तो हम चेक कर लेते हैं कि कहां पर 5 कम करने से 36 मिनट का लेट होगा, ठीक है? तो आप जरा बात समझना है, हमसे पूछ रहा है कि सामान्य स्पीड उसका कितना होगा, यानी कि पहले उसका स्पीड कितना था, तो हम ऑप्शन से लेके चलते हैं। चलो मान लो मैंने मान लिया कि 48 उसका नॉर्मल स्पीड था, तो एक बार हम 48 से इसको डिवाइड करेंगे और जो टाइम आएगा एक बार 48 से 5 कम कर देंगे तो 43 से डिवाइड करेंगे और जो टाइम आएगा, दोनों टाइम के गैप कितना होना चाहिए? 36 मिनट का। आपको भी पता है कि 48 एक तो इसको कटाए ना कटाए, लेकिन जब इसमें से 5 कम करेंगे तो 43 इसको कतई नहीं कटा पाएगा, तो इसको चेक करना व्यर्थ है। 45 को चेक करो, 45 से हम इसको डिवाइड करेंगे और 45 में से एक बार 5 माइनस करेंगे तो 40 से डिवाइड करेंगे। आपको भी पता है ये 40 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है। चलो आपको अगर चेक करना है तो चेक कर भी लेते हैं। मान लो मैंने एक बार 45 से डिवाइड किया और एक बार 270 और डिवाइडेड बाई कितना कर लिया? 40 कर लिया। अब दोनों में जो टाइम का गैप आना चाहिए वो 36 मिनट का आना चाहिए। यहां पर देखो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये अगर मैं 60 से गुना कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? या ऐसे ही देख लो आप, 4 से डिवाइड करेंगे, 4×6 = 24 और 3/4 आएगा और इसको 60 से गुना कर दिया, 15×6 = 60, यानी कि 6 घंटा और 15 × 45 मिनट ये आ गया। यहां पे चेक करोगे तो ये देखो 5×9 = 45 और ये देखो ये 9 से कटता है 30 बार में, तो 45 से ये 9 का 5 गुना है तो वो 30×5 = 6 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में पूरी पूरी कट गया। तो ये 6 घंटा हुआ, ये 6 घंटा 45 मिनट, तो कितना डिले हुआ? 45 मिनट का डिले हो गया। लेकिन हमें क्या कह रहा था कि हमें भैया 36 मिनट का ही डिले चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं होना है। अब देखो 40 का क्या रोल है कि अगर 40 हम मानते हैं तो जब 5 कम करेंगे तो हमें 35 से डिवाइड करना होगा, और हम 35 से अगर गलती से भी डिवाइड कर लें तो नीचे 7 आने लगेगा और 760 को भी नहीं कटाता है, तो ये सेकंड में जाने लगेगा जबकि हमें मिनट तक ही बताना है, तो इसे भी चेक करना व्यर्थ है।
अब बचता है 50, या तो इसे आंसर मार कर लो या 50 को आप चेक कर लो। अगर 270 को एक बार 50 से डिवाइड कर लो और एक बार 270 को आप 45 से डिवाइड कर लो, 45 से डिवाइड तो हमने किया ही था, 6 आया था, और जब 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे कि देखो 50 से भी हमने डिवाइड करा था, कहीं ना कहीं नहीं किया था तो कर लेते हैं ना, ये कट गया, ये 5 × 25 और 2/5 बचेगा, 2/5 का मतलब होता है 12×24। बताओ ये था 5 घंटे और 24 मिनट और ये है 6 घंटे, तो ये 5 घंटे और 24 मिनट में कितना जोड़े कि 6 घंटे बन जाए? तो आप बोलेंगे 36 मिनट जोड़ लो, यानी कि 36 मिनट लेट हो गया। तो ये उत्तर है। अगला सवाल देख लो दोस्तों, ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से चल देती है, चल दी, अगले 90 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा के चलती है, चल दी, ठीक है, यदि यात्रा को पूरा करने में उसे 3 घंटे का समय लगता है तो बताइए कि रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना टाइम लगेगा? क्या वैसे ही चेक कर लें जैसे पीछे हमने चेक किया था? आप बोलेंगे कि बिल्कुल, देखो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप चेक ही किया करो। देखो भाई हमें कह रहा है कि 75 किलोमीटर की दूरी चलती है पहले, और दूसरे केस में ये कह रहा है कि 90 की दूरी चलती है वो 10 की स्पीड बढ़ाकर। बात समझ रहे हो? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये कह लेते हैं कि देखो अगर उसकी नॉर्मल स्पीड मान लो x थी, स्पीड को मैंने बोल दिया कि स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर थी, जरा ध्यान देना, तो एक बार वो 75 किलोमीटर दूरी चल रही है नॉर्मल स्पीड से, अगले केस में 90 की डिस्टेंस वो कवर कर रही है 90 किलोमीटर की, और स्पीड को 10 बढ़ा ले रही है, और ऐसे में उसको टाइम लगता है 3 घंटे का, ठीक है। और लास्ट में पूछ रहा है कि अगर 300 किलोमीटर की दूरी चले तो उसे टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये मान के चलूं, देखो भाई ये तो कटाएंगे नहीं सीधे सीधे, तो इनको हम बाद में चेक करेंगे, पहले इनको वेरीफाई करेंगे, जो इजी हो वेरीफाई करना पहले उसको वेरीफाई करते हैं। अगर मैं मान लूं कि चलो x की वैल्यू ये 5 है, मतलब अगर x की वैल्यू 5 हो यानी कि 5 घंटे में वो 300 किलोमीटर चली है, तो आप बता दो स्पीड क्या रहा होगा? तो आप बोले कि स्पीड भैया 60 का रहा होगा 5 से काटने पर, और अगर 60 की स्पीड से थी तो इस इक्वेशन को वेरीफाई करो, ये वेरीफाई होगा। देखो 75/60 मुझे नहीं लग रहा है, 60 कोई नहीं कटा पाएगा, और ये 90/70 आ जाएगा। देखो इधर इंटीजर वैल्यू चाहिए तो इधर भी आपको पता है कि ये भी पूरा कटना चाहिए, ये भी पूरा कटना चाहिए, तभी तो ये पूरा कट के इंटीजर पार्ट मिलेगा आपको। अगर ये पॉइंट में आ जाए, ये बटा में आ जाए, तो कैसे आप 3 ला पाओगे? दोनों पूरा पूरा कटना चाहिए, ठीक है, तभी तो जाकर 3 आएगा ना, एक इंटीजर वैल्यू मिलेगा। तो हम 5 को तो नहीं ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा निशाना किस पर लगेगा भाई? 6 पर लगेगा। अगर मैं 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में करूं तो स्पीड कितना बनेगा? आप बोलेंगे 50 का स्पीड बनेगा। तो एक बार 75 को आप 50 से डिवाइड कर लो, और एक बार 90 को डिवाइड करो 50 और 10 60 से, और चेक कर लो। आप बोलो इसको 5 से काट दे तो ये कितना कटेगा? 15 × 75, और ये 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 1.5, 1.5 घंटे तो यहां लग गए, और ये कितना लगेगा? 0 से 0 कट गया, और ये 3×9 और 2×6 यानी कि 1.5 घंटे यहां भी, तो ये 3 घंटे आ गए, 1.5 घंटे और 1.5 घंटे, यानी कि ये हो गया। पहले केस में ये मत सोचना कि पॉइंट में आ रहा था तो क्यों नहीं लिया। मेरे भाई पॉइंट ऐसा आना चाहिए तब तो, यहां का पॉइंट देखो ना, ये 90 वाला क्या केस था, नीचे 7 आ रहा था। बताओ इसको अगर मैं 60 से गुना करके मिनट में भी ले जाने की कोशिश करूं तो ये मिनट में भी सही से नहीं आएगा, क्योंकि 760 को भी नहीं कटाता है, इसे सेकंड में लेकर जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने चेक नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, आप देखिए एक रेलगाड़ी है जो कि सुबह 8 बजे स्टेशन ए से चल देती है आपके जगने से पहले, और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है आपके सोने के बाद, ठीक है। और ये कह रही है आगे है कि एक कार सुबह 8:30 बजे बी से निकलती है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचती है, उसी समय का मतलब 12 बजे ही, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचती है तो वे एक दूसरे से किस समय पर मिलती हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। बात आप समझ गए होंगे, पढ़ने में भले ही थोड़ा इधर उधर हो गया हो। देखो ऐसे केस में आपको ना तो डिस्टेंस दिया रहता है, ना ही दूरी दिया रहेगा, और ना ही चाल दिया रहेगा, बस आपको टाइम पता होगा। तो आप मुझे बता दो कि टाइम अगर हमें पता है और डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, तो आपको पता है कि जब डिस्टेंस सेम होता है दोनों ही केस में और टाइम हमें मालूम है तो स्पीड का रेशियो हम लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस सेम होने पर स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होता है। तो सारी बातें हम यहीं से कर लेंगे। देखो एक बात बताओ कि ट्रेन को कितना टाइम लगता है, या मैं यहां पर टी ए लिख देता हूं, चलो ठीक है, टी ए से अच्छा है कि एक ट्रेन एक कार है ना, तो चलो मैं ट्रेन लिख देता हूं। ट्रेन को कितना टाइम लगता है? तो आप बोलेंगे 8 बजे चलती है, 12 बजे पहुंच जाती है, तो इसको 4 घंटे लग गए। कार को कितनी टाइम लगती है? तो आप बोलेंगे कार 8:30 बजे चलती है और वो भी 12 बजे ही पहुंचती है, तो उसको 3.5 घंटे लग गए, ठीक है, कोई बात नहीं।
अब देखो टाइम का हमें पता है कि ये हिसाब किताब है, डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम है, तो अगर इसको मैं 3.5 को लिख देता हूं कि ये 7/2 है। देखो अब हमें टाइम का रेशियो पता है, डिस्टेंस सेम था, तो अगर मैं यहां पर लिखूं दोस्त कि टाइम क्या है, तो आप बोलेंगे कि पहले 4 लगा है ट्रेन को और कार का क्या हिसाब किताब है, इसको 7/2 लगा है। तो जो मैं डिस्टेंस लूंगा ना, जो डिस्टेंस मैं मानूंगा, इन दोनों का एलसीएम मानूंगा जो दोनों से कट जाए, डी यानी डिस्टेंस। तो देखो 4 से और 7 से कटने वाला आप 28 मान सकते हैं, मैं 56 मान लेता हूं, ये ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए, तो मैं 56 मान लिया कि डिस्टेंस लेट से 56 है। दोनों ही केस में डिस्टेंस समान है तो मैं डिस्टेंस को 56 मान लेता हूं। अब बताओ अगर ट्रेन 4 घंटे में 56 किलोमीटर की दूरी चलती है तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, टीएस यानी कि ट्रेन की स्पीड। तो आप बोलेंगे 4 घंटे में 56 चली है तो 14 चौके 56 यानी कि 14 की स्पीड हो गई। कार की स्पीड क्या होगी, तो आप बोलेंगे देखो भाई 56 और इसकी टाइम है 7/2, तो इसको 7/2 से डिवाइड करेंगे तो 7 से कटेगा, 7 8 56 और 8 2 16, तो 16 हो गया कार की स्पीड। अब देखो ये स्पीड है तो हमसे पूछ रहा है कि किस समय मिलती है, मिलने का समय आपको पता है कि अगर टाइम हमसे पूछ रहा है तो मिलने का जो समय होता है वो दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी तो 56 चलना था और चाल अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल को हम जोड़ेंगे और अगर ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 4 को घटाएंगे। अब देखो यहां पर चाल हमें जोड़ना है तो इनको हम जोड़ेंगे 14 और ये 16, कितना हो जाएगा 30, तो हमें 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी बताओ ये जो मैंने लिखा है ये सही है, तो आप हो सकता है सही बोल दें लेकिन ये सही नहीं है, यहां पर गलत है, यहां 56 नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमें दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम करना होगा। ट्रेन जो है वो 8 ही बजे चल दी है और कार 8:30 में चली है, यानी कि ट्रेन आधे घंटे पहले चली है, तो बताओ अगर ट्रेन आधे घंटे पहले चली है और वो 14 की स्पीड से चलती है तो आधे घंटे में वो कितना दूरी चल दी होगी। ट्रेन जो है वो 14 की स्पीड से चलती है, वो आधे घंटे पहले चली है, हम अगर ट्रेन को भी 8:30 बजे चलाना शुरू करें तो बताओ ट्रेन पहले से कितना दूरी पहले से चल देगी, तो आप बोलेंगे आधे, अगर ये 14 की स्पीड से चलती है तो आधे घंटे में 7 चल देगी, तो 56 में से हमें 7 कम करना पड़ेगा क्योंकि ये 7 तो पहले ही चल रही थी कार के चलने से पहले ही, तो हमें दूरी जो मानना होगा वो 56 में से 7 घटाओगे तो 49/30 मानना होगा। ये एक्चुअल टाइम है और इसको आप अगर 60 से गुना कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 30 × 60 49 × 98 मिनट, 98 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटे और 38 मिनट, ठीक है 1 घंटे और 38 मिनट, तो 1 घंटे और 38 मिनट जोड़ लो किसमें, 8:30 में, बाद वाले टाइम में जोड़ते हैं, तो 1 घंटा 8:30 में अगर 1 घंटे और 38 मिनट जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा, 10:08, तो 10:08 पर पहुंचेंगे, मिलेंगे सॉरी। अगला सवाल देख लो, यहां पे कह रहा है कि कोई नाव है जो कि 6 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी और धारा के दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी चलती है, इतने ही समय में यह नाव धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी यानी कि 6 घंटे में और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी चलती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यह नाव धारा की दिशा में यदि 36 किलोमीटर की दूरी चले और धारा की विपरीत दिशा में 36 चले और धारा की दिशा में 44 चले तो कितना समय लगाएगा, ठीक है। देखो ऐसे सवाल में जनरली लोग दो दो इक्वेशन बना लेते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है दो इक्वेशन बनाने की, आप जितना फास्ट इसको कर सकते हो अपने माइंड में करो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, आप जरा ध्यान देना कि हमें जरूरत तो दोनों की है, यानी कि एक बार हमें धारा के विपरीत चलाना है, यहां पर बात समझना, क्वेश्चन में कह रहा है कि 36 किलोमीटर धारा के विपरीत और 44 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी कि दोनों ही दिशा में हमें धारा के विपरीत वाला भी स्पीड चाहिए और धारा के दिशा वाला भी स्पीड चाहिए, तभी टाइम का पता चलेगा, ठीक है। तो स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं बताओ, पहले केस में 27 किलोमीटर ये चली है, देखो विपरीत दिशा में यानी कि ये अप स्ट्रीम में 27 चली है और ये डाउन स्ट्रीम में यानी कि धारा की दिशा में 33 चली है। सेकेंड केस में धारा की विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम में 36 चली है और धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में कितना चला है, 22 चला है और टाइम दोनों बार ही सेम है। अब एक बात मुझे बताओ आप कि अगर मुझे, मैं किसको सेम बना सकता हूं, देखो 22 को और 33 को हम सेम बना सकते हैं, दोनों डाउन स्ट्रीम है। यहां पर जो 22 है इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूं ताकि ये 66 हो जाए और इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूं। अब बताओ अगर मैं इनको 2 से गुणा करूंगा और इसको 3 से गुणा करूंगा तो डाउन स्ट्रीम वाला तो साफ हो जाएगा ना, ये कट जाएगा, बात समझना, बात की गहराई को समझना मैं जो कह रहा हूं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम को मैंने दोनों ही केस में सेम कर दिया तो ये तो चल गए भाई, ये तो चल दिए ना, यहां पर अपना पोजीशन छोड़ दिया, ये कट गए। और टाइम का क्या हिसाब किताब है, तो देखो दोनों ही 6 घंटे थे तो जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18 घंटे हो जाएंगे, जरा ध्यान देना इधर, ठीक है 18 घंटे, और जब इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये 12 घंटे होगा, ठीक है। और
अपस्ट्रीम का क्या हिसाब किताब है? अपस्ट्रीम में पहले 27 चलता था, लेकिन हमें 2 से गुना करना है पहले केस को, तो ये 27 गुना 54 हो गया दूरी अपस्ट्रीम में, और डाउनस्ट्रीम में 36 चलता था, इसको 3 से गुना करना है तो ये 108 हो गया, ठीक है 108। तो आप बताओ अपस्ट्रीम में पहले 54 चलता था, अब 108 चलने लगा, तो कितना ज्यादा चल रहा है? आप बोलेंगे 54 ज्यादा चल रहा है। तो आप यहां पर एक बात समझिए दोस्त, की अपस्ट्रीम में ये 54 किलोमीटर अपस्ट्रीम में चल रहा है, ठीक है, और टाइम कितना लगा रहा है? देखो ये टाइम कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे 6 घंटे। 6 घंटे में 54 चलता है, तो अपस्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो कितना होगा? 54/6, यानी कि 6×9=54, तो 9 की स्पीड हो गई अपस्ट्रीम में। बात समझना जरा, अपस्ट्रीम में कितना का स्पीड हो गया? 9 का। ये सारी इतना जो मैं काट पीट करके लिख रहा हूं, ये सब बस आपको दिखाने के लिए, जिससे आप बात समझ पाए, वरना इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, साइलेंटली बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है, कीप साइलेंट वाली बात है। तो 9 का स्पीड हो गया अपस्ट्रीम का। आप डाउनस्ट्रीम का निकाल लो, आप बताओ डाउनस्ट्रीम का हम कैसे निकालें? तो आप बोलेंगे कि डाउनस्ट्रीम का क्या हिसाब किताब है? अपस्ट्रीम का अगर निकाल लिया तो डाउनस्ट्रीम हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। आप बताओ, अगर आप पहला इक्वेशन ले सकते हैं, या ऐसे ही एक बार दूसरा केस आप बना लो, दूसरा केस बना के चल सकते हो, और नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, आप यहां पर ऐसे कर लो। ऐसे का मतलब कि 6 घंटे टाइम कब लगता है? जब अपस्ट्रीम वो 27 चला है, देखो 27 चला है अपस्ट्रीम, और प्लस 33 चला था वो किस स्पीड से भाई? 9 की स्पीड से, तो टाइम उसको 6 घंटे लगा था। इसको काट पीट के निकाल लो यहां पे कितना लगने वाला है। तो आप बोलेंगे भाई कि इसको उधर ले जा, या काट लो 11×33, और ये हो जाएगा हमारा 3×9, तो 27/ जो यू आएगा ये कितना आ जाएगा? इसको इधर लाएंगे, 6×18 में से 11 जाएगा, तो कितना बचेगा भैया? 7/3। ये तो काफी अजीबोगरीब वैल्यू निकलने लगी अपस्ट्रीम की। 27 अपस्ट्रीम में था और डाउनस्ट्रीम में कितना था? 33 था। अच्छा, ये 9 हमारा अपस्ट्रीम का निकला है ना, मैंने गलत रख दिया, तभी बोलूं कि ये कैसा अजीबोगरीब सा आने लगा। यहां अपस्ट्रीम का 9 हमने निकाल रखा है ना वैल्यू, यहां पे 9 होना चाहिए था। देखना ये जो वैल्यू है ये 9 होगा, और प्लस ये हमारा 33 बाई ये आएगा हमारा डाउनस्ट्रीम, और इक्वल टू कितना टाइम लगना है? 6 घंटे। तो ये 9×27 और 3 इधर आएगा, तो ये 3 ही बच जाएगा, यानी डाउनस्ट्रीम का स्पीड 11 आ गया, 3×11=33। अब जो आपसे पूछ रहा है, देखो विपरीत दिशा में कितना चलना है, तो आप बोलेंगे 36। विपरीत दिशा का चाल क्या है? 9, तो 9 की स्पीड से 36 चलेगा, तो 9×4=36, यानी कि 4 घंटे, तो ये हो गया। प्लस 11 की स्पीड से चलेगा और 44 किलोमीटर, तो 11×44, यानी कि 4 घंटे यहां, तो 4×4=8। देखो भले बताने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया हो, लेकिन जो लोग होशियार हैं हो के साथ, वो ये बात समझ रहे हैं कि ये जो तरीका है ये काफी इफेक्टिव है, और एग्जामिनेशन हॉल में काफी इफेक्टिव तरीके से इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और कम समय में इस सवाल का गर्दा उड़ा के आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन पर गौर फरमा लो। ये कह रहा है कि ए को 160 किलोमीटर की दूरी चलने में बी की तुलना में, ये बी की है, बी की तुलना में 8 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए अपने चाल को दोगुना कर ले तो उसी दूरी को उसे तय करने में बी से 3 घंटा का कम समय लगेगा। तो ये कह रहा है कि बी की चाल बता दो कितना लगे। कोई बात नहीं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। एक बात मुझे बताओ, अगर ए चाल को दोगुना कर रहा है, सीपीआर लगा रहा हूं मैं, ठीक है, ए अपनी चाल को डबल कर रहा है, तो टाइम उसे पहले की अपेक्षा आधा लगेगा। मान लो मैं किसी निश्चित दूरी को तय करने में पहले 2 घंटा लगाता था, लेकिन अब मैं डबल स्पीड से जा रहा हूं, अगर स्पीड डबल करूंगा तो अब 1 ही घंटे लगेंगे, सीधी सी बात है, यानी कि टाइम आधा चल लगेगा। तो जैसे इसने स्पीड डबल किया तो इसको टाइम आधा लगने लगा, यानी कि आधा टाइम इसने सेव कर लिया। पहले अगर मान लो 60 घंटे लगते थे, अब 30 घंटे लगने लगे, यानी कि 30 घंटे तो बचा लिया ना, आधा टाइम बचा लिया। यहां पर कितना बचाया है? आप बोले कि पहले 8 घंटे लगता था ज्यादा, अब 3 घंटे ही ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि 5 घंटे बचाया है। बात समझना, हमारे हिसाब से आधे घंटे बचा रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं भाई ये तो 5 घंटे बचाएगा, यानी कि एक्चुअल में इसको जो टाइम लगना है वो कितना लगना है? 5×10 घंटे का। बात समझना, 10 घंटे का। तो हमसे ये कह रहा है कि बी की चाल बता दो। कोई बात नहीं, बताओ ए को यदि 10 घंटे का टाइम लगता है, ए 10 घंटे का टाइम लगता है, तो बी कितना लेता होगा? 2 घंटे का टाइम, क्योंकि हमें पता है पहले सवाल में ये कह रहा था कि बी जो है, ए जो है वो बी से 8 घंटे ज्यादा लेता है, तो अगर ए बी से 8 घंटे ज्यादा है तो बी इससे 8 कम होगा, यानी कि 2 होगा। तो बी अगर 2 घंटे में 180 की दूरी चल देता है, तो इसकी स्पीड कितनी आ जानी चाहिए? ऐसे तो 90 आने लगा, कुछ हमने गड़बड़ कर दिया लग रहा है यहां पर। अच्छा 160 था ना दूरी, सॉरी सॉरी, इट वॉज माई मिस्टेक, होता है कभी कभी हो जाता है।
तो ये 160 बटा और 2 हो गया, तो 80 का स्पीड आ गया। ठीक है, तो 80 अपना सही उत्तर है। देखो इस सवाल में लिखने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप इसको रेशियो से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप बोले कि दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम है तो आप रेशियो लगाते, तो आप बोले कि देखो दोस्त टाइम का क्या हिसाब किताब है। देखो हमें स्पीड का पता है कि स्पीड पहले अगर एक था तो आप डबल कर लेगा ए, तो टाइम उसको पहले दो लगता था तो अब एक लग जाएगा, यानी कि टाइम में एक का गैप आ गया, लेकिन सवाल में पांच का गैप आ रहा है। बताओ अगर एक का एक पांच के बराबर है तो ये दो किसके बराबर होगा, तो दो आप बोलेंगे दस के बराबर है, दस घंटा, यानी कि ए को कितना टाइम लग गया दस घंटे का, तो बी को कितना टाइम लगता होगा इससे आठ घंटे कम, यानी कि ये दो घंटे टाइम लगाता होगा 160 किलोमीटर चलने में, तो हर एक घंटे में ये अस्थि चल रहा है, ये भी इजी है। लेकिन पहले वाले में लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, अब जो आपको ठीक लगे ये सवाल दो देख लो एक ये सवाल, एक मिनट रुकना जरा, इसमें ऊपर इस सवाल में लगता है गलती से मिस्टेक हुआ है, ये सवाल तो टाइम एंड वर्क का लग रहा है ना, पाइप एंड सिस्टर्न का। चलो अब जब सामने प्रकट हो ही गया है तो इसको देखते हैं, आमना सामना कर लेते हैं इससे। किसी टंकी में पानी के दो नल हैं जो खाली टैंक को 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं, और यह देखा गया कि तल्ली में एक रिसाव है जो कि पूरी तरह से टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी को भरने के लिए एक साथ पानी के दोनों नलों को खोल दिया जाता है और रिसाव को एक घंटे बाद ठीक भी कर दिया जाता है, तो टंकी पूरी तरह से भरने में कोई बात नहीं है, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना। आप बताओ क्या रोल है, पहले 12 घंटे में भरती है और दूसरी 18 घंटे में, तो अगर मैं यहां पर एफिशिएंसी लिखूं तो बताओ इनका एलसीएम कितना बनेगा 12 और 18 का, ये मुझे लगता है कि 6 से कटेंगे ना, तो ये 3 × 6 = 18, 12 × 3 = 36 और ये 18 × 36, यानी कि मान लो कि टोटल 36 लीटर पानी भरना था, एक खाली करने वाली भी है वो हर एक घंटे में 36 मतलब पूरे 36 घंटे में खाली करती है रिसाव, तो वो हर एक घंटे में एक लीटर पानी खाली करती होगी। शुरू में सब सारे खुले हैं शुरू में, ठीक है, और एक घंटे बाद सबको बंद कर दिया गया। आप बताओ कि एक घंटे तक ये कितनी पानी खाली कर दी होगी, तो आप बोलेंगे एक ही लीटर खाली करी होगी, बात तो यही है भाई। देखो ये 5 और 2 = 7, 7 लीटर इन्होंने भरा और इसने 1 लीटर खाली किया, यानी कि ओवरऑल 6 लीटर भरा। अगर 30 लीटर में से 6 लीटर भर गया तो आप बोलेंगे 24 लीटर अभी भी भरना है, और ये कौन भरेंगे अब, तो आप बोलेंगे कि अब ये ए और बी ही भरेंगे क्योंकि रिसाव को तो बंद कर दिया गया है। तो आप इसको ए और बी यानी कि 5 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20 और 4/5, इसको आप 60 से गुना कर लो ताकि ये मिनट में बदल जाए, तो 12 × 5 = 60, यहां 4 कैसे आ गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। अच्छा अच्छा ये 36 था ना, टोटल 36 था, ये भी काफी बड़ा मिस्टेक हो गया। चलो कोई बात नहीं, पता नहीं आज गलतियां काफी सारी हो रही हैं, लेकिन अच्छा है कि एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठा हूं मैं, वरना आंसर की देखने पर तो तोते उड़ जाएंगे ऐसे केस में। चलो देखो क्या हिसाब किताब था भाई, इसको मल्टीप्लाई करके 36 आ रहा है ना, तो टोटल वर्क 36 हो गया, और इन्होंने पहले घंटे में 5 भरा लेकिन एक खाली हो गया, तो 4 ही भरा ना एक्चुअली में, तो 32 लीटर अभी भी भरने हैं। ये ए और बी भरेंगे तो ये 3 और 2 = 5 की स्पीड से भरेंगे, 5 से डिवाइड कर लो, 5 × 36 और 2/5, 2/5 को अगर आप 60 से गुना करते हैं तो 5 से 12 × 5 = 60, यानी कि 6 घंटे और 24 मिनट लग गया, और 1 घंटे तो पहले यहां पर चला था, तो 6 और 1 = 7 घंटे 24 मिनट हो गया ना ये उत्तर होगा, सॉरी ये वाला। आगे बढ़ता अब ये सवाल देखना, देखो एक दो छोटे बड़े क्वेश्चन को मैं छोड़ते चल रहा हूं, एक दो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है जो छोटा लगा। अगला सवाल देखो भाई, एक आदमी धारा की दिशा में 8 की स्पीड से एक निश्चित दूरी तय कर सकता है और उतने ही समय में विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी वो चल देता है, ठीक है मान लिया सही बात है। यदि वह धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी एक सही 3/4 घंटा में तय करता है तो धारा की चाल बता दो। काफी अच्छा सवाल है, लेकिन देखो हम रेशियो लगाते हैं, इसमें रेशियो मुझे लगता है कि इजी होगा। देखो आप ये कहेंगे भाई कि एक आदमी, बहुत ध्यान से बात समझना, पहला केस क्या बन रहा है यहां पर आर्गुमेंट समझना, 8 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में चलता है और उतनी ही दूरी वह उतना ही समय में वह 6 किलोमीटर की दूरी भी चल देता है उल्टा दिशा में। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब स्पीड चेंज हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है लेकिन टाइमिंग सेम है, बात समझ रहे हो। निश्चित समय में समझना, यहां पर निश्चित समय में वो 8 किलोमीटर की दूरी चलता है धारा की दिशा में और उतने ही समय में यानी कि टाइम सेम हो गया वह उल्टा दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी चल देता है। अब बात समझना, एक बात आप बहुत ध्यान से बात समझ लीजिए कि अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का भी रेशियो होगा, बात समझ रहे हैं यहां पर। तो डिस्टेंस का क्या रेशियो है,
तो आप बोलेंगे धारा की दिशा में, यानी कि अप स्ट्रीम में ये 8 चला है और डाउन स्ट्रीम, सॉरी धारा की दिशा को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं ना, तो देखना इधर ये डाउन स्ट्रीम में कितना चला है, तो आप बोलेंगे 8 चला है और अप स्ट्रीम में कितना चला है, ये 6 चला है, और दोनों बार ही वो टाइम सेम लगाया है। तो अगर टाइम सेम है तो यही ये जो रेशियो है यही रेशियो होगा स्पीड का भी, यानी कि 4 और 3 का अनुपात हो गया स्पीड का, यानी कि डाउन स्पीड डाउन स्ट्रीम में अगर इसका स्पीड 4x है तो अप स्ट्रीम में इसका स्पीड कितना होगा 3x। अब बताओ अगले केस में ये कह रहा है भाई कि 24 किलोमीटर, यहां पर समझना 24 किलोमीटर की दूरी वो चलता है विपरीत दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम नहीं अप स्ट्रीम में, सॉरी अप स्ट्रीम में 3x की स्पीड से चलेगा, यहां पर बात समझना, अगर 3x की स्पीड से चलेगा 24 किलोमीटर तो टाइम कितना लगाएगा, तो आप बोलेंगे 3×8=24 यानी कि 8/1 से लग जाएगा, और प्लस और कुछ चला है ना, यदि वह धारा की विपरीत दिशा में 24 और धारा की दिशा में उतनी ही देरी, धारा की दिशा में भी 24 ही चला है, तो धारा की दिशा में 4 की स्पीड से अगर 24 चलेगा तो 4×6=24 यानी कि 6/1 चल देगा, और टाइम यहां पर कितना लगता है, 4×4=3 7/4 लगता है, तो ये जोड़ लो 8 और 6 14/1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7/4 यानी कि 7×14 तो x की वैल्यू 4×8 आ गया, और x की वैल्यू अगर 8 आ गई तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे धारा की गति पूछ रहा है, धारा की गति आपको पता है कि जो वाटर की स्पीड होती है ये डाउन स्ट्रीम माइनस का अप स्ट्रीम और बाई 2 होता है, डाउन स्ट्रीम कितना है 4x और माइनस का 3x यानी कि ये x का आधा आएगा और x 8 आ गया है, तो 8 का आधा कितना होगा 4। काफी अच्छा सवाल और अच्छा तरीका भी। अखिल यदि अपनी चाल की सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से गाड़ी चलाता है तो उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लग जाते हैं, यदि वह अपनी सामान्य चाल से 15 की स्पीड से धीमी चलाए तो उसे 90 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन नंबर 12। चलो देखो मान लो 150 चलता है, नॉर्मल स्पीड को x मान रहे हैं, तो अगर वो 150 x की स्पीड से चलता है, जब 10 धीमी कर लेता है, देखो पहले 10 धीमी कर लिया यानी कि नॉर्मल स्पीड x था, तो अब x कम 10 कम करके स्पीड चलेगा वो, और 150 पहले चलता था वो x की ही स्पीड से, और दोनों टाइम में अंतर है 30 मिनट का यानी कि आधे घंटे का, यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तो आप ऑप्शन से अगर रखेंगे तो काफी लंबा चौड़ा केस बन जाएगा, तो मुझे लगता है कि सॉल्व कर लेनी चाहिए, सॉल्व करो, अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना बनेगा, आप बोलोगे कि भैया 150 तो सब में ही है, तो इसको आप ये कर लो कि ये x होगा और ये x माइनस 10 होगा, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10 बचेगा और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 10x और बराबर 1/150 × 15×30 बन जाएगा। यहां से केस क्या बन रहा है, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 3000=0। अभी बताओ 10x को क्या मैं 60x और माइनस का 50x लिख दूं, तो बात बन जाएगा हमारा, ये एक्चुअली में माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो 60 और 50 को गुणा करेंगे 3000 भी आ जाएगा और अंतर 10 का भी है, तो यहां से x की वैल्यू 60 आ गई, ये प्लस वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि आगे चल के माइनस बन जाएगा, x की वैल्यू 60 आ गई, तो हमसे पूछ रहा है भाई कि x की वैल्यू 60 का मतलब नॉर्मल स्पीड उसका 60 का है, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय कराना है किससे भैया, 15 धीमी गति से, यानी कि 60 में से 15 घटा दो तो 45 की स्पीड से जाएगा, तो 2 घंटे लगेंगे, सीधी बात है। अगला सवाल देख लो, एक ही समय पर सुमन स्थान x से y के लिए चलती है और रेखा y से x के लिए चलती है, ठीक है चलने दो, रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा स्थान y और x पर क्रमशः 3 घंटे 12 मिनट और 1 घंटे 48 मिनट में पहुंच जाती हैं, तो रेखा की चाल आपको दी हुई है, सुमन की चाल पूछ रही है, ये तो फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन है ना, आपको पता होगा कि जो वेलोसिटी का रेशियो होता है यानी कि पहले का चाल और बटा दूसरे का चाल, ये टाइम के रेशियो के बराबर होता है, और टाइम का रेशियो यहां पर उल्टा लेते हैं यानी कि दूसरे का टाइम और बटा पहले का टाइम, ये आपने पढ़ी होगी, आशा करता हूं ये आप जरूर पढ़े होंगे, तो ये आप यहां पर अप्लाई कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगर ये अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड पहले वाले का यानी कि सुमन का हमें मालूम नहीं है, तो सुमन के लिए मैं s लिख देता हूं, दूसरे वाले का स्पीड 9 है और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ किसका, तो टाइमिंग दूसरे वाले को कितना लगता है, तो आप बोलेंगे दूसरे वाले को लगता है 1 घंटा 48 मिनट, 1 घंटा 48 मिनट को आप क्या बोलते हैं 108 मिनट, और पहले वाले को 3 घंटा और 12 मिनट, 3 घंटा यानी कि 180 और 12 यानी कि 192, आप बता दो ये कितना होगा, तो ये काटेंगे 36 × 108, ये 36 से तो कटेगा नहीं, तो 12×9=108 और 12 से 16/12 में कट जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया कि s by 9 equal to आ गया 3/4 यानी कि s कितना आ गया 9×27/4 जिसको हम बोल सकते हैं 4×6=24 और 3/4, ये उत्तर आएगा दिस वन।
अगला सवाल देख लो, यदि कोई रेलगाड़ी 72 की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि वह 90 की चाल से चले तो गंतव्य पर 5 मिनट की देरी से पहुंचेगी, पहुंचने का सही समय बता दो। कोई भी बता देगा, सीपीआर लगा लो या रेशियो लगा लो। सीपीआर तो लगाओगे तो आप बोलोगे भैया की 72 से स्पीड कितना हो गया, 90 हो गया, यानी कि 18 बढ़ गया 72 पे, यानी कि 1/4 हो गया। 1/4 अगर बढ़ रहा है स्पीड तो टाइम का क्या होगा भाई, स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 1/5 कम हो जाएगा, टाइम 1/5 कम होगा। लेकिन यहां पर देखो पहले 15 मिनट की देरी होती थी, अब मात्र 5 मिनट की देरी हो रही है, तो 10 मिनट का अंतर आ गया। तो हमसे मिनट में ही आंसर पूछ रहा है, तो इसको घंटा में चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक का मतलब हो गया 10 बजे 50 मिनट, और एक जो है ये टोटल है, बात समझ रहे हैं, टोटल यानी कि उसको जो टाइम लगता था वो पहले केस में 50 मिनट लगता था। अगर बताओ पहले केस में 50 मिनट लगता था और वो 15 मिनट का लेट भी कर दिया है तो सही टाइम क्या होगा, तो आप बोलेंगे भाई 50 मिनट पहुंचने में लगाया और 15 मिनट लेट है, यानी कि सही टाइम 50 में से 15 कम होगा, यानी कि 35 होगा, बस खेल खत्म। आप अगर रेशियो लगाओगे तो आप बोलोगे कि स्पीड का रेशियो हमें पता है ये 72 था और यहां पर 90 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। देखो 18 5 90 और 18 4 72, ये टाइम का रेशियो होगा, टाइम में गैप एक का आ गया, लेकिन सवाल में ये गैप कितने का था, 10 मिनट का, तो ये 5 की वैल्यू 50 और बाकी वैसे ही कर लेना, 15 घटा लेना, 35 आ जाएगा। अगला सवाल देख लो, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है, यदि ये अपने चाल को दोगुनी कर लेता है तो 80 किलोमीटर चलने में यह बी से 2.5 घंटे अधिक लेगा, बी को अपनी चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, सीपीआर लगा लो, सीधी बात है। अच्छा देखो आप यहां पर आर्गुमेंट समझना, मैं केवल बिना लिखे बात काम करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अगर आप ये कहेंगे यहां पर कि 40 किलोमीटर, एक बार मुझे पहले मिटोने दो इसे, तो एक बार तो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया। देखो दोस्त सेशन में मजा आ रहा हो, जरूर से लाइक करना और कमेंट तो करना भूलना मत, कमेंट करके एक बार बताना ताकि दिल खुश हो जाए आपके कमेंट पढ़ के। देखो 40 किलोमीटर की दूरी में भाई ए बी से 2 घंटे ज्यादा ले लेता है, और अगर ये अपने चाल को दोगुनी कर ले तो क्या केस बनता है कि 80 किलोमीटर की दूरी चलने में वह बी से 1.5 घंटे ज्यादा ले लेता है। देखो दूसरी बार में 80 किलोमीटर है और पहले बार में 40 किलोमीटर है, तो हम पहले वाले को भी 80 बना देते हैं। अगर देखो पहले वाले में भी ये 80 किलोमीटर चलता तो आप बोलेंगे 2 घंटे ज्यादा लेता था 40 में ही, तो 80 चलने में 4 घंटे ज्यादा ले लेगा, बात समझना, ये 4 घंटे हुए ना, 40 लिख दिया मैंने। देखो अगर 80 किलोमीटर की दूरी में वो 2 घंटे ज्यादा लेता था, तो सॉरी 40 किलोमीटर में, तो जब हम दूरी को डबल कर लेंगे 80 कर लेंगे तो ये 4 घंटे ज्यादा ले लेगा। अब बताओ यहां पर टाइम कितना बचा रहा है, आप बताओ, जब इसने स्पीड दोगुना कर लिया यानी कि स्पीड डबल कर लिया तो टाइम कितना कम कर लिया भाई, टाइम कितना सेव कर लिया, तो आप बोलेंगे स्पीड डबल होने से टाइम आधी होगी, यानी कि आधा टाइम ये बचाएगा, 1/2 टाइम। और यहां पर आप एक बात समझिए कि वो 4 घंटे पहले ज्यादा लेता था, अब 1.5 घंटे ज्यादा ले रहा है, यानी कि अभी भी 2.5 घंटे का अंतर है, तो यहां पर आधा टाइम बचा रहा है, लेकिन सवाल के हिसाब से वो 2.5 घंटे बचा रहा है, तो ओवरऑल उसको टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे का टाइम लग रहा है, ये ए के लिए है। अब बताओ ए अगर 5 घंटे का टाइम ले रहा है तो बी कितना टाइम ले रहा है, तो आप बोलेंगे कि ए जो था वो बी से 4 घंटे ज्यादा ले रहा था, ए बी से 4 घंटे ज्यादा ले रहा था, और ए अगर 5 है तो बी इसका मतलब 1 ही घंटे लगा रहा है, सीधी बात है, तभी तो इससे 4 ज्यादा लेगा तो ए पहुंच जाएगा 5 घंटे पर। अब आपसे ये कह रहा है देखो 80 किलोमीटर अगर चलने में बी 1 घंटे लगा रहा है, देखो 80 किलोमीटर चलता था, 80 किलोमीटर चलने में बी 1 घंटा लगा रहा है, तो इसका स्पीड भी 80 का ही हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर। और आपसे कह रहा है कि अब 120 किलोमीटर की दूरी चलनी है, तो आप बोलोगे कि चलो 120 चला दो भाई 80 की स्पीड से, तो ये 4 से कट जाएगा 20 बार में, नहीं 5 से कटा देते हैं ना, एक ही बार में 5 नहीं, किससे कटा दें, 40 से कटा देते हैं 2 बार में, और ये 40 से 3 बार में, 3/2 का मतलब 1.5 घंटे, 1:1/2, ये सही उत्तर है। अब देखो अगर आप बोले कि क्या हम इसे रेशियो से कर सकते हैं, मैं बोलूंगा कि बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं रेशियो से। रेशियो से करने के लिए डिस्टेंस सेम कर लो, अगर डिस्टेंस सेम करना है तो हम डिस्टेंस को 80 बना देते हैं, और अगर डिस्टेंस 80 हो गया तो आप बोलेंगे कि ए अपने चाल को डबल कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि ए के लिए भाई स्पीड का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे 1/2 कर लिया स्पीड, तो टाइम इसका क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, और टाइम में गैप 1 का आ गया, लेकिन सवाल में देखो यहां 4 घंटे था और यहां पर 1.5 घंटे हैं, तो यहां पर 2.5 घंटे का अंतर आ गया, यानी कि ए की अगर पहले वाला आप टाइम निकालना चाहते हैं तो 2 से हम गुना कर लें तो 5 घंटे, यानी कि ए पहले 5 घंटा लगता था, तो बी का कितना टाइम हो जाएगा भैया, 1 घंटे, और बाकी वही जैसा मैंने किया था वैसे आप कर लोगे। दोनों ही तरीका अपने आप में जबरदस्त है, मुझे लगता है कि आपको लाइक और कमेंट करने की जरूरत है। अगला सवाल देख लो, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर की दूरी वह 45 मिनट में चल लेती है, चलने दो, यदि वह धारा की दिशा में 5 की दूरी चले और धारा की विपरीत दिशा में 2.5 की दूरी चले तो 25 मिनट लगता है इसे धारा की, बताओ, ऐसा सवाल एकदम डिटो कराया है मैंने, लिखूंगा रहीं जा रहा है इसमें,
ठीक है। देखो हमसे ये कह रहा है कि धारा की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी चलना है तो टाइम कितना लगेगा। तो धारा की दिशा का मतलब हमें डाउन स्ट्रीम वाला निकालना है, स्पीड डाउन स्ट्रीम निकालना है। तो अपस्ट्रीम को काट दें, अपस्ट्रीम को गायब करो भाई इसमें से। आप बोलेंगे अपस्ट्रीम का क्या हिसाब किताब है, देखो धारा के विपरीत दिशा में ये अपस्ट्रीम वाला है और दूसरे केस में अपस्ट्रीम में ये चल रहा है, देखो ये अपस्ट्रीम में 2.5 किलोमीटर चल रहा है। तो दूसरे केस में हम डिस्टेंस को 5 बना देते हैं, पहली बार में अपस्ट्रीम में डिस्टेंस 5 है तो दूसरे वाले में 5 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो टाइम भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये कितना लग जाएगा 50 मिनट। यहीं पर समझ लेना भाई 50 मिनट लगता है, और पहले केस में इसको 45 मिनट लगता था। अपस्ट्रीम वाला तो अब साफ हो जाएगा, कट जाएगा, डाउन स्ट्रीम का क्या होगा। तो आप बोलेंगे पहले वाले में हम केवल डबल कर रहे हैं, सॉरी दूसरे वाले में हमने डबल किया है सबको, तो इस डिस्टेंस को भी डबल कर लो। ये दूसरे केस में धारा की दिशा में 5 किलोमीटर चलता था, इसको डबल करेंगे तो धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में 10 चल देगा, और पहले केस में धारा की दिशा में 7.5 चलता था। बताओ तो दूरी में अंतर कितने का आ गया, पहले 7.5 चलता था, अब 10 चल रहा है तो 2.5 ज्यादा चल रहा है। यानी कि आप बोलेंगे दोस्तों कि 2.5 किलोमीटर की जो दूरी चल रहा है डाउन स्ट्रीम में, ये कितने टाइम में चल रहा है। तो आप बोलेंगे कि पहले टाइम 45 मिनट लगता था, 50 मिनट लग रहा है, यानी कि 5 मिनट में चल रहा है, और हमसे पूछ रहा है कि 6 घंटे चला दो भाई। तो आप बताओ अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो यहां 0 लग जाएगा और ये 25 से कट जाएगा दो बार में, तो एक डाउन स्ट्रीम चलने में इसको कितना टाइम लग जाएगा भैया, 2 मिनट का। और हमसे ये पूछ रहा है कि आप 6 किलोमीटर चला दो, इसको अगर आप 6 बनाओगे तो इधर भी 6 से गुना करोगे तो 6 × 12 मिनट। इससे उचित और कोई तरीका नहीं मिलेगा आपको। आगे बढ़ता हूं, ये सवाल देख लो। कोई नाव है 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में चलती है और धारा की दिशा में वो 1 घंटे में ही चल देती है, शांत जल में यह 60 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना टाइम लगाएगा। कोई बात नहीं, हमें बोट का स्पीड पहले निकालना होगा, सीधी बात है। शांत जल का मतलब क्या है कि हमें बोट का स्पीड बताना है पहले। तो बोट का स्पीड कैसे निकलता है आपको पता है, बोट का स्पीड होता है डाउन स्ट्रीम और प्लस अप स्ट्रीम का आधा। तो डाउन स्ट्रीम, अच्छा देखो 3 घंटे में एक बार चलता है 30 किलोमीटर की दूरी, तो 10 का स्पीड बन गया, और नेक्स्ट केस में 1 घंटे में ही 30 चल देता है, तो यहां पर स्पीड 30 का ही बन गया, तो यहां पर 30 ही लिख दो, और बाय 2 तो ये कितना हो जाएगा 15 × 5 = 20, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है, और 60 किलोमीटर चलाना है 20 की स्पीड से तो 3 घंटे लगेंगे। अब ये एक सवाल देख लो, इसमें क्या कह रहा है दोस्त कि कोई नाव है, एक मिनट कहां भाग रहे हो भाई, देखना। ये कह रहा है कि कोई नाव है, ठीक है, जो कि किसी, ये उल्टा हो गया है, ठीक है। तो कोई नाव है जो कि किसी नदी में 2 बिंदु, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, ठीक है। कोई नाव किन्हीं 2 बिंदु, देखो कहां पर कराया है, तो मुझे लगता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है 23 अगस्त वाला, मैंने जो क्वेश्चन पेपर कराया है सीजीएल का, थर्ड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट जो भी कराया हो, उसमें एक क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं उसको जाकर के, उसमें एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, फिर भी अब सामने आया है तो जरूर से इसे सॉल्व करना होगा। तो कह रहा है कि कोई नाव किसी नदी में 2 बिंदुओं ए और बी के बीच राउंड ट्रिप की यात्रा करती है, राउंड ट्रिप मतलब गई भी और आ भी गई, ठीक है, यानी कि जहां गई वहां से वापस भी आई है, तो 3 घंटे का टाइम लगता है। स्थिर जल में यदि आपने स्पीड को डबल कर लेती है तो उसी दूरी को चलने में इसे ये टाइम लगेगा। तो स्थिर जल में बोट का स्पीड आपको बताना है और नदी की चाल दोनों का रेशियो बताना है, चलो कोई बात नहीं। देखो मैं ये कहता हूं दोस्त कि पहले केस में डिस्टेंस तो दोनों जगह सेम है, तो डिस्टेंस दोनों जगह कट जाएगा, और कट जाने का मतलब डिस्टेंस आप लिखो ना लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता है, डिस्टेंस ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं ये मान लूं कि अगर दूरी 1 था तो एक साइड से जाएगा और दूसरी साइड से आएगा, तो जाने में जो इसको टाइम लगेगा, दूरी बटा चाल, दूरी मैंने 1 को ही मान लिया, 1 इकाई, और चाल कितना होगा, तो आप बोलेंगे जाने में बोट प्लस रिवर ऐड कर लो, और प्लस आने के केस में बोट माइनस रिवर होगा, और इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है, पहले 3 घंटे लग रहे हैं तो अभी 80/161 इतना गुना लगेगा t का, यानी कि यहां पर मैं मान लेता हूं कि अगर यहां ये 161 होगा तो दूसरे वाले केस में 80 लगेगा, बात समझना। आप बिल्कुल t के फॉर्म में भी लिख के चल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इतने ना समझ हैं। देखो 80/161 का मतलब कि अगर पहले 161 लगता था तो अब 80 लगेगा, ठीक है, और ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में आप कहेंगे कि दूसरे केस में अगर चाल डबल हो जाए बोट की, तो ये 1/बोट की चाल को डबल करेंगे तो 2 times ऑफ बोट और प्लस आर, और 1/2 times ऑफ बोट और माइनस का आर, और यहां पर जो टाइम लगेगा वो 80 लगेगा। यही इसके कहने का मतलब है, तो हमें बोट और रिवर का रेशियो बताना है कितना होगा।
देखो इसको अगर आप सिंपलीफाई करोगे, इसमें और कोई चारा नहीं लग रहा है, अभी सिंपलीफाई कर लेते हैं, आगे चल के तो टाइम मिलेगा तो इसको कोई ना कोई ट्रिक निकल ही जाएगा। फिलहाल के लिए जब सामने प्रकट हुआ है तो आप बेसिक से कर सकते हैं ऐसे। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर जाएगा और ये इधर जाएगा और आर दोनों बार कट जाएगा तो टू टाइम्स ऑफ बोट बचेगा और नीचे ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इधर कितना आ गया 161। इसको सॉल्व करो तो ये भी वही खेल बचेगा, यहाँ टू है तो डबल बच जाएगा ये और ये 4b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू का 80। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर लूं, बताओ दोनों को डिवाइड कर लेता हूं तो डिवाइड करने से क्या होगा, आप बोलेंगे कि ये 2 टाइम्स ऑफ बोट डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है और गुना वो हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ बोट और कितना आ जाएगा ये 161/80। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, अब यहां इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगा। अब देखो अभी कितना बचा है ये 2 से, इसको भी काट देते हैं 40। अब जरा देखना यहां से मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने वाला हूं ताकि इजी हो जाए, ये नीचे है ये ऊपर है आप समझना। अब यहां से मैं सी एंड डी अगर लगाता हूं तो आपको पता है कि जोड़कर ऊपर लिखते हैं और घटाकर नीचे लिखते हैं, तब दोनों को जोड़ेंगे इसको और इसको तो ये बनेगा 4 और 1 5 बार b² और माइनस का 2 बार r² और घटाएंगे तो 4 में से 1 बार b जाएगा तो 3 बार b² और इधर 161 में 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 201 होगा, 201 ही होगा और घटाएंगे तो 121 बन जाएगा। अब यहां पर और कोई चारा है, मुझे नहीं लगता है कि और कोई चारा है, तो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो देखो इधर मैं कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 बचे कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 12 पच्चे 60 यानी कि 605 बोट का स्क्वायर, ठीक है। और ये 201 को भी आप 3 से गुना कर लो तो ये 603 हो जाएगा माइनस का 603 बोट का स्क्वायर और इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप आर स्क्वायर को क्या करो कि 121 से गुना कर लो तो 242 आर स्क्वायर यही आएगा। तो यहां से आप बोलोगे कि 2 टाइम्स ऑफ बोट स्क्वायर आ गया 242 आर स्क्वायर और यहां से आप बोलोगे कि भाई बी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर जो होगा ये 242/2 हो गया, इसको काटेंगे तो ये 121/1 आ जाएगा। तो यहां से बोट और आर का जो रेशियो आ जाएगा ये 11:2 बन जाएगा। तो ये अपना उत्तर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लो, 144 किलोमीटर की दूरी चलने में 1.8 आवर का टाइम लगता है, यदि चाल यह 20% बढ़ा ले, 20% अधिक चाल से यह दोगुनी दूरी चले तो कितना टाइम लगेगा। अभी भी दोगुनी दूरी चला लो, इस दोगुनी का क्या रोल है, इस दूरी का तो कोई रोल ही नहीं है, हटाओ। अभी दोगुनी अगर दूरी चले तो ये टाइम भी डबल ले लेगा 3.6, बात समझना। 20% का मतलब 1/5 होता है यानी कि स्पीड को 1/5 बढ़ाएगा तो टाइम 1/6 कम हो जाएगा, बस इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर लो और कम कर दो, ये 6 से 0.6 हो गया, पहले ये 3.6 लगता था अब 0.6 कम लगेगा यानी कि 3 घंटे लगेगा। आप रेशियो भी लगा सकते हो, इस बार मैं लगा के नहीं दिखाऊंगा, हर एक बार मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। क्वेश्चन 48 किलो, क्या हो गया यार एक मिनट देखना, 48 किलोमीटर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 की स्पीड से चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है और विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को 12 सेकंड में पार कर जाती है, महिला की चाल बता दो क्या होगी। कोई बात नहीं, जब सेम डायरेक्शन में चल रही है और वो 18 सेकंड में पार कर जा रही है, ठीक है, तो हम रेलगाड़ी, आपको पता है कि जब आदमी को पार करते हैं तो अच्छा, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि डिस्टेंस दोनों केस में सेम हो गया। क्यों सेम हो गया, क्योंकि भाई दोनों ही केस में ये आदमी को पार कर रही है तो डिस्टेंस तो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगा और दोनों कंडीशन में ट्रेन वही है तो दूरी भी वही हो जाएगा और डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो जो होगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। हमें टाइम तो पता है भाई कि टाइम पहले 18 लगा है और बाद में 12 लगा है तो स्पीड का क्या होगा, 18 चौक 72 और 18 दुना 36 और 12 36, ये स्पीड का रेशियो होगा। और यहां पर ये कह रहा है भाई कि ट्रेन का जो स्पीड है वो 48 का है और आदमी का स्पीड है 12 का। पहले केस में आदमी जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा था तो पहले केस में बताओ कि ये स्पीड कितना होगा, मुझसे बता दो जरा स्पीड कितना रहा होगा। तो आप बोलेंगे कि अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहा था तो स्पीड घटा लेंगे, 12 में से 18 घटा लो तो ये 36 था, तो अगर ये 36 का स्पीड था यानी कि कितना 18 गुना हो रहा है तो ये 18 54 का स्पीड रहा होगा, बात समझ रहे हैं। तो यहां पर 54 किलोमीटर की स्पीड है लेकिन ये स्पीड किसका किसका है, तो आप बोलेंगे इसमें ट्रेन भी है और महिला भी है क्योंकि महिला उल्टा दिशा से आ रही है, तो अगर ट्रेन 48 की स्पीड से है तो महिला 6 की स्पीड से होगी, तभी तो जोड़ के 54 बनेगा। बस ये सवाल देख लो, कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह अपनी स्पीड को 5 बढ़ा लेती है तो उसी दूरी को चलने में उसे 1 घंटा का कम समय लगता है,
तो वह अपने सामान्य चाल से चलते हुए 315। ये भी मुझे लगता है कि हमें यहां भी ऑप्शन ट्राई कर लेना चाहिए, नहीं तो काम गड़बड़ हो सकता है। चलो ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक सोचेंगे तब तक ऑप्शन से काम कर लेंगे। देखो 450 किलोमीटर की दूरी यह चल रही है पहले केस में, जरा बात समझना, और नॉर्मल स्पीड मैंने x मान लिया, ठीक है। तो यह कह रहा है कि अगर यह अपनी स्पीड को थोड़ी सी बढ़ा ली तो टाइम इसे एक घंटा कम लगेगा। कितना बढ़ा ली, 5 बढ़ा ली, तो 450 और बटा ये x माइनस 5 हो गया, तो इसे टाइम कितना लगेगा, एक घंटा कम लगेगा। अब या तो आप इसको सॉल्व कर लो, या बेहतर होगा कि हम यहां से ऑप्शन वेरीफाई करें। अब ऑप्शन वेरीफाई करने में ये कह रहा है कि कितने समय में यह 315 किलोमीटर की दूरी चलेगी, तो निश्चित रूप से ऑप्शन में वही समय दिया है जिस समय से यह चली है। 315 किलोमीटर की दूरी चलने में जितना टाइम लग रहा है वही टाइम लिया है ना, तो हमने 7 ले लिया कि चलो पहले 7 ही चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे तो फ्रैक्शन में आएंगे तो इन्हें चेक करना मुश्किल है, और मैंने पहले भी बताया था कि जब ऑप्शन से जाओ तो आप उसी को चेक करो जो चेक करना इजी हो। तो आप बताओ स्पीड क्या निकल के आएगा, 315 की दूरी अगर ये 7 घंटे में चलती है तो 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, यानी कि 45 का स्पीड रहा होगा। इसमें 45 पुट कर लो, अगर x की जगह पर 45 करेंगे तो ये 10 घंटे आ जाएगा, और माइनस इसमें हम अगर 45 में से 5 घटा देते हैं तो ये 40 का स्पीड आ जाएगा, तो क्या ये 9 आएगा? ये अच्छा 5 अधिक होती ना स्पीड, ये प्लस होगा ना, सवाल में कह रहा है कि इतना अधिक होता तो यहां डेफिनेटली हम 50 रखेंगे, तो 5 × 45 9 घंटे, और इनका अंतर 1 घंटे आ रहा है बस। देखो जब ऐसा आप पकड़ के चेक करोगे तो आपको पहले ही केस में या दूसरे ज्यादा ज्यादा तीसरे में सही उत्तर आ जाएगा, चारों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 22। स्थान ए से बी तक 45 किलोमीटर की दूरी है, ए कार चलाना शुरू करता है और इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या लिख दिया है। ए स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस बी, यानी कि एक कार ए से स्टार्ट करती है चलना, दूसरी कार बी से स्टार्ट करना चलती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वो 4 घंटे में मिल जाते हैं, और यदि वो उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं एक दूसरे के तो 27 मिनट में मिल जाते हैं। तो आपको बता रहा है कि जो तेज कार है उसकी स्पीड क्या है, जो फास्टर चल रही है। कोई बात नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है, आप मुझे बताओ दोस्त कि जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो जो स्पीड आएगा वो उनका अंतर आएगा, ठीक है। यानी कि आप बोलेंगे कि स्पीड जो आएगा दोस्त वो x माइनस वाई आएगा, ठीक है, और कितनी आएगा बताओ, 45 किलोमीटर की दूरी चल रहे हैं और सेम डायरेक्शन में चलने पर वो 4.5 घंटे में मिल जाते हैं, यानी कि 10 घंटे का टाइम लग जाएगा। 45 को 4.5 से आप डिवाइड करोगे 4.5 से, तो ये 10 घंटा आएगा ना, बात समझना, 10 स्पीड आएगा एक्चुअली में, क्योंकि 4.5 घंटे है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 10 का स्पीड आ गया, और अगर सेम डायरेक्शन में ना चलकर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो 27 मिनट में मिलते हैं। बताओ 45 की दूरी अगर 27 मिनट में तय करते हैं तो स्पीड कितना होगा? अब देखो आप बोलेंगे कि मिनट को आपने घंटा में क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों ही मिनट मिनट वाले हैं, तो ये मिनट मिनट वाले तो मुझे लगता है कि साफ हो जाएंगे ये। नहीं, पहला वाला घंटा में था ना, पहला 4.5 घंटा था, ठीक है, कोई बात नहीं, पहला घंटा था, तो इसको 60 से गुना कर लो, ये मिनट में बदल जाएगा। अब ये देखो 3 से 9 बार में, और ये 5 से 9 बार में, और ये 3 से 20 और 20 से 25 कितना हो गया, 100। तो यहाँ पे 100 रख लो, और हमें तेज वाले का बताना है यानी x बताना है, जोड़ कर आधा कर लो, 110 का आधा कितना हो जाएगा, 55, बस एज सिंपल एज दैट। अब देख लो अगला और अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। यहां पे कह रहा है मेरे भाई कि स्थिर जल में एक मोटर बोट की चाल 20 है, यदि वह धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी चले और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाए तो ऐसे में उसे 16 घंटे का टाइम लगता है। तो आपको से रिवर की स्पीड पूछ रहा है कि आप करंट का स्पीड बता दो कितना होगा। चलो कोई बात नहीं है, करंट को हम आर ही मान लेते हैं, रिवर की स्पीड को आर मान लेते हैं। आप बताओ कि ये 150 किलोमीटर की दूरी चला है, ठीक है, गया है और आया है, तो आप बताओ अगर गया होगा तो हम मान लेते हैं भाई कि जाने में तो बोट और रिवर को जोड़ेंगे, बोट तो बीस ही है और रिवर को मैं आर ही लिख देता हूं, आने में क्या होगा कि इस बीस में से इस आर को घटाएंगे और ऐसे में टाइम 16 घंटे लगे हैं। ऑप्शन वेरीफाई कर लो, अगर मैं पहले ऑप्शन को लेता हूं 5 को, देखो मैं आंसर देख के नहीं कर रहा हूं, मैं अगर 6 को लेता हूं पहले को, तो आप बताओ इस 20 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 26 से क्या ये 150 कटेगा? नहीं कटेगा ना, क्योंकि इधर हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू का मतलब ये पूरा पूरा कटना होगा, ज्यादा से ज्यादा 0.5 आना चाहिए, लेकिन नीचे 26 आने का मतलब 13 आ जाएगा और 13 से कतई नहीं कटेगा।
ठीक है, अब मैं 4 लेता हूं, अगर 4 ले लूं तो ये तो 24 बनेगा और ये 16 बन जाएगा। अभी भी पूरे नहीं कटेंगे, आपको भी बात पता है क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि नीचे वाला 8 से कट रहा है, ऊपर वाला 4 से कट रहा है, नहीं चेक करेंगे। आप चाहे तो चेक कर भी सकते हैं, अब 8 से चेक करो, अगर 8 से चेक करेंगे तो ये 28 बन जाएगा, बात समझना है। ये कितना बन जाएगा, 20 और 8 28, 28 बनने का मतलब है कि ये 7 से कटेगा और ऊपर 7 का कोई मल्टीपल ही नहीं है, तो क्यों चेक करें इसे बताओ, नहीं चेक करेंगे, बस इकलौता ऑप्शन बचा है, बताओ चेक करें। आंसर भी यही है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लो। देखो भाई 150 किलोमीटर की दूरी चलानी है और अगर रिवर की स्पीड 5 है तो पहली बार में ये 25 बनेगा और जब 5 कम करेंगे तो 150 बटा ये 15 बन जाएगा। तो आप बोलेंगे 25 से कट जाएगा 6 बार में और 15 से कट जाएगा 10 बार में, तो 6 और 10 16 आ गया। तो इस तरह से ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ, पूरे एक घंटे की वीडियो बन गई, काफी मेहनत भी लगा और मैंने कोशिश किया अपने लेवल पे बेस्ट देने की आपको। अगर मैंने अपने लेवल पे बेस्ट दिया है तो आप जरूर से अपने लेवल पर बेस्ट दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए अन्य लोगों के पास, जिससे कि और भी हमारे दोस्त बने, हमारी जो चैनल है इस पर और भी लोग आए, जिससे वीडियो बनाने में मजा आए, ज्यादा लोग देखते हैं तो और मजा आता है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों को धन्यवाद, जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा और कमेंट करोगे सबको धन्यवाद, थैंक यू।